हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाईवेज के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको रोड्स के बारे में बताया था, तो टॉपिक कैसे अनफोल्ड होते जा रहे हैं। आपने देखा कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आपने रोड्स के बारे में पढ़ा। अब रोड्स में भी जो बोल सकते हैं ना, क्रीमी लेयर वाली जो चीज है। अब रोड्स तो मेटल्ड अनमेटल्ड, कुछ गड्ढे वाले, कुछ नाम मात्र के रोड होते हैं, वो सभी प्रकार के होते हैं। लेकिन यहां पे जो हमें पढ़ना चाहिए वो है हाईवेज। तो हाईवेज क्या है, ठीक है, वर्ल्ड में अलग अलग तरह से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप आपको टॉपिक जो है बड़ी पिक्चर समझ में आई है, क्लियर है। तो सब्सिक्वेंटली मैं सारी चीजें आपको बताते चलूंगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको ये पता चलता रहेगा कि कब कौन से सेशन आने वाले हैं, हम आपस में कनेक्टेड रहेंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए आप। अनअकैडमी ऐप पर आपको ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे। ढेरों एक्साइटिंग फीचर्स कैसे मिलेंगे कि यहां पर आप कह सकते हैं नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आपको स्पेशल क्लास में इंटरेक्शन का मौका मिल जाएगा, क्लियर। उसी के साथ साथ में क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, तो इन सभी एग्जाम्स को आप एब्सोल्युटली फॉर फ्री एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। सो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, क्लियर। अब आता है सवाल, व्हाट आर हाईवेज, हाईवेज क्या होते हैं, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि सिचुएशन कुछ ऐसी ना हो कि हाईवे ही ना समझा पाऊं मैं आपको, ठीक है। तो हाईवे की अगर हम बात करें, बेसिकली हाईवेज आर मेटल्ड रोड्स कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेसेस, ठीक है। अलग अलग जगह जो है, अलग अलग दूर दूर के डिस्टेंट प्लेसेस जो हैं, उन्हें आपस में जोड़ते हुए जो मेटल्ड रोड्स होते हैं, जो कि ऑल सीजन मोटरेबल होते हैं, जो कि जिनकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बेहतर होती है, जो बारिश, गर्मी, धूप, ठीक है, सभी मौसमों की मार सह जाते हैं, इस तरह के मेटल्ड रोड्स होते हैं, ठीक। सिंपल क्वेश्चन बनता है, देखो इंपॉर्टेंट चीज वही है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। क्वेश्चन कहां से किस तरह से बन जाए, यू शुड बी प्रिपेयर टू राइट इन ईच एंड एवरी कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन बन गया, व्हाट आर हाईवेज, तो हाईवेज आर द मेटल्ड रोड्स कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेसेस, दे आर कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, उन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि जो व्हीकुलर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, जो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं उनमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, किसी भी तरह की रुकावटें ना हो। क्यों? क्योंकि हाईवे पे आप देखोगे ना, गाड़ी कैसे चलती है हाईवे पे, 70-80-90-100, ठीक है, 70-80-90-100 इतना तो टू व्हीलर वाले टच कर देते हैं इनफैक्ट। तो उस तरह से क्या है, दे आर कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर फॉर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट्स ऑन हाईवेज, ठीक है। हाईवेज का ऑब्जेक्टिव ही होता है। अब वो आप कैसे ऑब्स्ट्रक्शन को कम कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन को ऐसे कम कर सकते हैं जैसे आपके सिटी के अंदर से जो रोड जा रहा है, और हाईवे में क्या डिफरेंस है कि सिटी के अंदर से जो रोड जा रहा है तो उसमें लेन्स प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं होती है, कोई इधर से आ रहा है भैया, कोई उधर से आ रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे में टक्कर कर देते हैं कभी कभी, फिर उसके बाद में क्या है, वहीं रोड पे गाय घूम रही, वहीं रोड पे दुकान वाले ने क्या कर दिया, दो तंबू लगा के अपना टेंट आगे बढ़ा दिया। तो लेकिन हाईवेज पे ऐसा नहीं होता, हाईवेज पे क्या होता है, चीजें सिस्टमैटिकली होती है। जैसे एस एच डीज आर 80 मीटर वाइड, ठीक है, 80 मीटर, 80 मीटर बहुत होता है, 80 मीटर वाइड होते हैं ये रोड्स, विद सेपरेट ट्रैफिक लेन्स एंड ब्रिजेस, ठीक है, फ्लाईओवर्स, ट्रैफिक लेन्स अलग अलग होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, जैसे कुछ हाईवे शहर के बीच से निकलते हैं, लेकिन अब वहां पे तो ऑब्स्ट्रक्शन होना तय है, शहर के बीच से निकलोगे तो सब्जी वाला, ठेले वाला, ठीक है, बच्चे हैं, स्कूल बस है, सारी चीजें आएंगी शहर के बीच में। तो लेकिन क्या होता है, अब आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करना है, तो आप क्या करते हैं, फ्लाईओवर तान देते हैं। देखा होगा ना आपने, शहर के बीचों बीच से क्या है, पिलर्स लगा लगा के ऊपर से रोड निकाल देते हैं पूरा। तो इस तरह से हाईवेज कैसे ये मतलब दे आर कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर ऑफ अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट, तो आप कैसे इंश्योर कर पाओगे, एस एच दीज आर 80 मीटर वाइड, डिस्टेंस काफी होता है, ठीक है, मतलब बहुत वाइड रोड्स होती हैं, सेपरेट ट्रैफिक लेन्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, डुअल कैरेज वेज, ठीक है, डुअल कैरेज वेज मतलब क्या है कि दो अलग अलग रास्ते, जाने वाला है तो जाने, जाने वाला इधर है तो उसको ऐसे नहीं देखना पड़ता सामने से कोई हाथ तो नहीं रहा है, ठीक है, सब एक ही तरफ जा रहे हैं, उधर से आने वाले हैं तो वो उधर उधर आने वाले जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया टू फैसिलिटेट अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो, ठीक है, और ये सारी चीजें किस ऑब्जेक्टिव से की जाती है कि अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो को इंश्योर किया जा सके, बिना किसी रुकावट के ट्रैफिक आराम से इधर से उधर जा सके, ठीक है। इन डेवलप्ड कंट्रीज एवरी सिटी एंड पोर्ट टाउन इज लिंक थ्रू हाईवेज, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है बड़ी बड़ी, तो उन डेवलप्ड कंट्रीज में आपको क्या देखने को मिलता है, इन डेवलप्ड कंट्रीज एवरी सिटी एंड पोर्ट टाउन इज लिंक्ड थ्रू हाईवेज, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज में हर सिटी हो गया, पोर्ट टाउन हो गया, सभी हाईवेज के थ्रू लिंक्ड होते हैं, आपस में
जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं हाईवेज के थ्रू, ठीक है। डेवलप कंट्रीज में आपको ज्यादा हाईवेज देखने को मिलेंगे क्योंकि ज्यादा वहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स है, ज्यादा वहां पे फैसिलिटीज है, पैसा है उनके पास। अब वही चीज अगर हम देखें, देखो सवाल ये बनता है, ठीक है, इनफैक्ट आपका मैप वर्क जो है टर्म वन में हो गया है, लेकिन यहां से मैप वर्क में क्वेश्चन भी आते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईवेज अराउंड दी वर्ल्ड। अराउंड दी वर्ल्ड अगर हम देखें तो किस तरह से रोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक सवाल बनता है, हाईवेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका सिर्फ यूएसए नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा भी आ जाता है, मेक्सिको भी आ जाता है, तो वहां पे एक अच्छा डेंस नेटवर्क आपको हाईवेज का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाईवे डेंसिटी इज हाई इन नॉर्थ अमेरिका, अबाउट 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो 0.65 मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर की अगर हम बात करें, 100 नहीं, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। एक किलोमीटर का अगर आप ऐसे क्या बनाते हैं, एक ब्रैकेट निकालते हैं, तो उसमें आपको कितनी लेंथ का रोड मिल जाएगा, 0.65, विच इज हाई डेंसिटी, हाई रोड डेंसिटी। समझ में आया, ये हो गया। एवरी प्लेस इज विद इन 20 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ हाईवे। अब क्या हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में कोई भी जगह हो तो उससे 20 किलोमीटर के दायरे में कहीं ना कहीं आपको हाईवे देखने को मिल जाएगा। तो मतलब रोड डेंसिटी क्या है, बहुत अच्छी है, ठीक है। सिटीज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक कोस्ट वेस्ट आर वेल कनेक्टेड विद दोज एट द अटलांटिक कोस्ट ईस्ट। मतलब कि यहां पे आप देखो, यहां पे आप देखेंगे ये पैसिफिक कोस्ट है, वेस्टर्न एरिया, ये अटलांटिक कोस्ट है, और बहुत बड़ा स्ट्रेच है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेच है, ठीक है। इतना बड़ा स्ट्रेच भी क्या है, वेरी वेल दी सिटीज आर कनेक्टेड विद दी हेल्प ऑफ हाईवेज, ठीक है। हाईवेज की मदद से ये सिटीज जो है कनेक्टेड है बहुत बेहतरीन तरह से, तो ये दर्शाता है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है, हाईवेज वगैरह जो है वो वेल डेवलप्ड है इन नॉर्थ अमेरिका, क्लियर। लाइकवाइज दी सिटीज इन कैनेडा इन दी नॉर्थ आर लिंक्ड विद दोज ऑफ मेक्सिकोज इन साउथ। उसी के साथ साथ में ये आपने क्या कर लिया, ईस्ट और वेस्ट में कनेक्टिविटी देख ली, वैसे ही नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, ठीक है। कनाडा की सिटीज मेक्सिको से जुड़ी हुई है बाय रोड, वो बात अलग है कि ट्रंप जो है बॉर्डर क्लोज करने पे लगे हुए थे, लेकिन ऐसे कनेक्टिविटी बता रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तभी सभी तरह से क्या है, बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी हमारी कंट्री में भी। जैसे आप देखोगे तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, तो बाय रोड जो है, ठीक है, थ्रू हाईवेज सिटीज आर कनेक्टेड, क्लियर हुआ। तो वो कनेक्टिविटी को दर्शाता है। Likewise, the cities of, ये हो गया। अब जैसे दो इंपॉर्टेंट रूट्स के बारे में बताया गया, ट्रांस कैनेडियन हाईवे लिंक्स वैंकोवर इन ब्रिटिश कोलंबिया वेस्ट कोस्ट टू सेंट जोन सिटी इन न्यूफाउंडलैंड ईस्ट कोस्ट, ठीक है। तो एक ट्रांस कैनेडियन हाईवे के बारे में बताया गया, जैसे अगर आप क्या देखेंगे, वैंकोवर, ये वैंकोवर वेस्ट में है, यहां से वैंकोवर से गाड़ी चलेगी आपकी पूरे कैनेडा में, ठीक है, पूरे कैनेडा में घूमते 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 आप कहां पहुंच जाओगे, सेंट जॉन्स ईस्टर्न पार्ट पे, सेंट जॉन्स ईस्टर्न पार्ट पे। तो इस तरह की ये जो कनेक्टिविटी बताई गई है, यहां से पूरा ये, ठीक है, ये पूरी कनेक्टिविटी दर्शाती है क्या, ये ट्रांस कैनेडियन हाईवे, मतलब कनाडा को आपने क्या कर लिया, ट्रांसपास कर लिया इधर से उधर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हाईवे हो जाता है नॉर्थ अमेरिका का। वैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, अलास्कन हाईवे लिंक्स एडमोंटन, एडमोंटन कनाडा टू एंकोरेज अलास्का, ठीक है। एडमोंटन कनाडा से, एडमोंटन कनाडा से, ये देखो यहां पे, ये एडमोंटन कनाडा से लगा के कहां तक चले जाएंगे आप, एंकोरेज अलास्का तक। तो ये यहां पे भी आपको कनेक्टिविटी ऐसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये कौन सा हाईवे है, तो ये जो हाईवे आपका अलास्कन हाईवे। इस तरह से अलग अलग हाईवे जो है, अलग अलग रूट जो है लैंड ट्रांसपोर्टेशन के, वो आपको बताए गए हैं कहां पे, नॉर्थ अमेरिका में। वैसे ही अगर आप आते हो कहां पे, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है ना, नॉर्थ अमेरिका से ये साउथ अमेरिका देखो पूरा, तो ये कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, फिर इधर से पूरा घूमते पेरू, पेरू से चिली, ठीक है, ये पूरा होते हुए अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जाते हो, ये यहां लास्ट पॉइंट पे, तो यहां से यहां तक बाय रोड चलोगे, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। और ये क्या है, पैन अमेरिकन हाईवे, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, चल रहा है काम इसका। तो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विल कनेक्ट दी कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड यूएसए कनाडा, ठीक है। तो पूरी की पूरी कंट्रीज को आपस में बाय रोड ये जोड़ देंगे। आप बोलोगे सर बीच में पनामा कैनल है, तो ब्रिज बना देंगे वहां, ठीक है, जहां कैनल वैनल आएगी वहां ब्रिज बना देंगे, सिंपल सी चीज। हाँ, एक चीज और बता रहा था मैं आपको, क्या कि आप मुझे बताना, चलो एक एक्सरसाइज करते हैं हम, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रूट जो है लैंड रूट, वो क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा लग रहा है ना कि सर ये इस कोने से वर्ल्ड के नॉर्थ से वर्ल्ड के साउथ तक पहुंच गए आप, ठीक है, लेकिन बस आप इधर भी समुद्र उधर भी समुद्र, खत्म जमीन, बिना ब्रिज बनाए, बिना ब्रिज बनाए पैदल 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 पाओ पाओ इंसान कहां तक जा सकता है, लॉन्गेस्ट लैंड रूट कहां हो सकता है, ये आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सब सर्च करना वर्ल्ड मैप पे, जरा देखना कि पैदल पैदल लॉन्गेस्ट रूट जो एक इंडिविजुअल ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, बाय रोड, वो क्या हो सकता है। बाय रोड की बात की जा रही है, बीच में समुद्र मुद्र मत लाना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट, ठीक है, स्टुअर्ट हाईवे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे। तो जैसे अभी हम
रेलवेज पढ़ेंगे जब यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज वगैरह लाइन भी देखने को मिल जाएगी। वैसे क्या है डार्विन, ये जो पॉइंट है डार्विन पॉइंट से आप आ जाओगे कहां तक, ये मेलबर्न इस पॉइंट तक, तो एक इस तरह से ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे आपको देखने को मिलता है कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो द ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे कनेक्ट्स डार्विन इन द नॉर्थ कोस्ट, ठीक है, नॉर्थ कोस्ट एंड मेलबर्न वाया ठीक है टेनांट क्रीक एंड एलिस स्प्रिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो क्या है पूरा का पूरा डार्विन से लगा के मेलबर्न तक ये पूरा पार्ट जो ये कवर होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और ये कवर कौन करता है, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे कवर करता है। अब यूरोप में आ जाओ तो यूरोप में ऐसा सच क्या है, यूरोप के साथ समस्या क्या है पता, ये बड़े बड़े देश थे सारे, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स थे, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स में बड़े बड़े कंट्रीज भी थे, यूरोप छोटू सा है, ठीक है, छोटू सा है लेकिन डेवलप्ड है, तो यहाँ पे और डेवलप्ड उसके बाद में पानी भी खूब है, एयर ट्रांसपोर्टेशन भी चलता है, तो यूरोप में आपको छोटे लेवल पे क्या है ऐसे कोई बहुत बड़े हाईवेज नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जर्मन सुपर हाईवेज वगैरह हो गए तो रोड कनेक्टिविटी बेहतरीन है वहां पे भी। यूरोप हैज अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड अ वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क, ठीक है, बट हाईवेज फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम रेलवेज एंड वाटरवेज। यूरोप में रेलवेज का प्रचलन बहुत ज्यादा है, स्विट्जरलैंड में ट्रेन चल रही है बढ़िया सुंदर सा मनोरम दृश्य है, ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि और वाटरवेज से क्यों दिक्कत फेस करता है, क्योंकि आप यूरोप का मैप अगर देखोगे ना उठा के तो आपको समझ में आएगा, जैसे यहाँ क्या मेडिटेरेनियन सी हो गया, इधर भी जिसे देखोगे तो इंग्लिश चैनल वगैरह अलग अलग क्या है, सी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद में इंटरनल जो रिवर्स है उनके ऊपर इनलैंड वाटरवेज, तो वाटरवेज और रेलवेज जो है वो रोडवेज को ग्रो नहीं करने देती है, कहां पर यूरोप में, ठीक है, ग्रो नहीं करने देती है। अगली चीज क्या है, रशिया, रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया अगेन वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंडमास रशिया है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोड भी वही होना चाहिए, ठीक है, तो अब जैसे अगर हम देखें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोड तो नहीं कहोगे आप, लेकिन फिर भी एक जैसे आप लॉन्गेस्ट हाईवेज की बात करें ना तो यहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, रशिया में डेंस हाईवे नेटवर्क इज डेवलप्ड इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन वेस्ट ऑफ द यूरल्स विद मॉस्को एज अ हब, ठीक है, यहाँ पे जैसे यूरल्स माउंटेन जो है तो यूरल्स माउंटेन के वेस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड है रीजन, थोड़ा सा यहाँ पे इंडस्ट्रीज है रशिया में, मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है रशिया की इधर ही रहती है, और ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे मॉस्को वगैरह के मॉस्को को हब बना के उसके इर्द गिर्द बहुत सारे हाईवेज वगैरह डेवलप हुए हैं, एक चीज वो होगी। दूसरा क्या है, द इंपॉर्टेंट मॉस्को व्लादिवोस्तोक, ठीक है, मॉस्को व्लादिवोस्तोक ये जो हाईवे है ना ये क्या कर रहा है, ये जैसे अगर आप देखोगे मॉस्को व्लादिवोस्तोक जो है तो मॉस्को व्लादिवोस्तोक यहां से क्या है वेस्टर्न पार्ट से पूरा का पूरा आपको घुमा के लाएगा ईस्टर्न पार्ट तक, वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट तक मॉस्को व्लादिवोस्तोक ये जो रूट है ये घुमा के लाता है और क्या करता है रशिया को कनेक्ट किए हुए, रशिया को कनेक्ट किए हुए, समझ में आया। फिर क्या है, दी इंपॉर्टेंट मॉस्को व्लादिवोस्तोक हाईवे हो गया, ड्यू टू दी वास्ट जियोग्राफिकल एरिया हाईवेज इन रशिया आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज रेलवेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरिया इतना बड़ा है, वास्ट एरिया है, तो उसके चलते हाईवेज जो रशिया में है ना तो हाईवेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं, रेलवेज हो जाते हैं, क्योंकि रेलवेज रिलेटिवली फास्ट होती है व्हेन कंपेयर्ड विद हाईवेज, ठीक है, सस्ता भी होता है, तो यहाँ पे रेलवेज का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, और इनफैक्ट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि विद द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, रेलवेज के डेवलपमेंट से क्या कनेक्टिविटी और बेहतरीन बढ़ गई है, कहां पे रशिया में, रशिया में कनेक्टिविटी और बेहतरीन बढ़ गई है, तो ये पॉइंट आपको एक ध्यान रखना है, समझ में आया। ये हो गया मॉस्को रशिया वाली कहानी, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या, चाइना, ठीक है, तो अब चाइना में अगर आप देखोगे चाइना में पहली बात तो हम जा ही नहीं पाते हैं, ठीक है, जो जाना भी नहीं, अगली चीज क्या, लेकिन चाइना में भी जैसे आप देखेंगे तो इट इज दी कह सकते हैं वन ऑफ दी लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, ठीक है, चाइना भी शायद थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री आएगा, थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट चीज, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ में से कुछ एक है, तो चाइना जो है, तो चाइना को जैसे अगर आप देखोगे तो ये चाइना का जो पूरा एरिया है ना जिसमें अलग अलग रीजन में, जैसे क्या है सेंट्रल एरिया, सेंट्रल चाइना जो है तो शांघाई वगैरह वाले रीजन में अलग क्या आपको देखने को मिल जाएगा, रोड हाईवेज के लेन्स देखने को मिल जाएंगे, तो हाईवेज क्रिस क्रॉस दी कंट्री कनेक्टिंग ऑल मेजर सिटीज, जैसे सुंगसो नियर वियतनाम बॉर्डर हो गया, शांघाई सेंट्रल चाइना में हो गया, ठीक है, ग्वांग्सो, ठीक है, ग्वांग्सो साउथ में, और वैसे बीजिंग नॉर्थ में जो है बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे ना, तो वहां पे क्या कंट्री के अलग अलग पार्ट में आपको अलग अलग हाईवे देखने को मिल जाएंगे जो अलग अलग सिटीज को कनेक्ट किए हुए हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक न्यू हाईवे जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो चेंगदू विथ ल्हासा इन तिब्बत, तिब्बत में जो है ल्हासा कैपिटल है, वहां से आप देखेंगे तो चेंगदू जो है, ठीक है, चाइना के कह सकते हैं ईस्टर्न पार्ट में आप जाओगे थोड़ा, तो उसको कनेक्ट किए हुए एक नया हाईवे और कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, चाइना भी क्या है ज्योग्राफिकली एक बड़ा कंट्री है, तो वहां पे भी हाईवेज जो है वो कनेक्टिविटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आता है हमारा अपना प्यारा देश भारत, ठीक है, इंडिया, इंडिया की अगर बात की जाए तो देर आर मेनी हाईवेज लिंकिंग दी मेजर एंड मेजर टाउन्स एंड सिटीज, इंडिया में आप देखोगे इंडिया में बहुत क्रिस क्रॉस करते हुए बहुत सारे हाईवेज है, ठीक है, बहुत सारे हाईवे, हर इंसान जो ये वीडियो देख रहा है उसके घर के आसपास से कोई ना कोई सा हाईवे निकलता हुआ है ना, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हाईवेज इंडिया में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे
नेशनल हाईवे नंबर 7 जो NH7 जो वाराणसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाराणसी से कहां तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है, NH7 हो गया लॉन्गेस्ट। फिर उसके बाद में क्या है, कनेक्टिंग वाराणसी कन्याकुमारी, इट इज द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री, लॉन्गेस्ट हाईवे आपका NH7 हो गया। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और सुपर एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है स्पेसिफिकली क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट का होता है ना, तो उसको बनाया कहां गया था, दिल्ली मुंबई के बाद में चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करने के लिए ऐसा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बनाया गया था। ठीक है, NHAI जो मैंने आपको समझाया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो मेंटेन करती है इसे। तो नेशनल हाईवे नंबर 7 कनेक्टिंग वाराणसी विद कन्याकुमारी इज द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ और सुपर एक्सप्रेस वे इज अंडर वे टू कनेक्ट द 4 मेट्रोपोलिटन सिटीज, दी न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। ठीक है, तो 4 मेट्रोपोलिटन सिटीज के साथ साथ में देखेंगे तो क्या है, बैंगलोर की भी को भी कनेक्ट करता है, ये चेन्नई जाते हैं तो बोला बैंगलोर भी कनेक्ट करते हुए चले जाओ। ठीक है, वैसे हैदराबाद वगैरह को भी कनेक्ट करता है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी चलता है। तो ऐसे मल्टीपल हाईवे जो है इंडिया में क्या करते हैं, अलग अलग जगह को कनेक्ट करते हैं। वहीं अगर हम आते हैं अफ्रीका पे, ठीक है, तो अफ्रीका भी क्या एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, और जैसे आप यहां देखोगे तो यहां एक हाईवे कायरो से सीधा जाता है ये, ठीक है, ये कायरो से सीधा जाता है नीचे कहां तक, केप टाउन साउथ अफ्रीका तक, इजिप्ट से साउथ अफ्रीका तक। तो यहां पे भी रोड कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। हाईवे जॉइंस, ठीक है, अल्जीरस, ठीक है, इन द नॉर्थ ऑफ कहां पे, कोनार्की इन ग्वेना, ठीक है, इन द हाईवे जॉइंस द अल्जीरस, ठीक है, अल्जीरस कहां, ये रहा अल्जीरस, यहां से आप देखेंगे तो नॉर्थ ऑफ, ठीक है, ये नॉर्थ ऑफ यहां पे कोनार्की आएगा, कोनाक्री ये वाला पूरा हाईवे। और इस तरह से आप देखेंगे तो गार्लैंड हाईवे है यहाँ पे, पूरा क्या है, चारों तरफ से कवर किया हुआ है अफ्रीका को। देखो कनेक्टिविटी जो है, तो एक हाईवे, दो हाईवे, इस तरह से पूरी चारों तरफ से कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। अफ्रीकन हाईवे जो है, तो लैंड रूट जो है, क्योंकि अब क्या है, देखो सहारा डेजर्ट है, तो वहां कोई मेजर हाईवे आपको देखने को मिलेगा सहारा डेजर्ट के अंदर, लेकिन क्या है, जो बॉर्डरिंग एरियाज है, कोस्टल एरियाज है, उनसे जोड़ के रखा है, क्योंकि क्या है, यहां से ये हाईवे क्या करते हैं, जो भी सप्लाईज आती है गुड्स की, तो उनको कंट्री के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा सकते हैं, समझ में आया। सिमिलरली कायरो इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दी केप टाउन, तो यहां पे जैसे आप देखोगे, ठीक है, कायरो केप टाउन से ये जुड़ा हुआ है पूरा, है कायरो से केप टाउन, क्लियर हुआ। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट हाईवेज, आई होप यू एंजॉयड इट। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में एक और चीज बची है, मतलब आपने रोड्स पढ़ ली, हाईवेज पढ़ लिए, नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा टॉपिक है बॉर्डर रोड्स का, उसे पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर रेलवे से कूद लगाते हैं। ठीक है, अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ विद दिस, together we will, thank you very much.